હવામાન વિભાગની પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવી રહી છે, સીધા સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે અધિકારી. मतलब कंडीशन 28 को आइसोलेट जगह पे बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ में साथ थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी रहेगा, लाइट थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी होगा उसी जगह पे. एंड बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ गुजरात, ईस्ट पार्ट ऑफ गुजरात जैसे दाहोद एरिया में एंड सौराष्ट्र के कच्छ देखे, राजकोट, अमरेली उसी एरिया में डेते से थंडर एक्टिविटी एक्सपेक्ट, लाइट रेन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइट मॉडरेट रेन भी होगा. और जहाँ तक टेम्परेचर की बात पे, कल भी अमरेली में हाईएस्ट आया था 41 के आसपास. अहमदाबाद भी देखा जाए, अभी हम डे वन डे टू के लिए हम 41 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेलवे अलर्ट दे रही है अहमदाबाद सिटी के लिए. और बाकी जगह पे बहुत सारे इंटीरियर जगह पे, मतलब जैसे सुरेंद्र नगर, अमरेली, राजकोट, उसी कच्छ उसी एरिया में 40 के आसपास बहुत सारे जगह पे टेम्परेचर जाने के चांसेस है. अभी अहमदाबाद में क्या रहेगा और गर्मी किस तरह की रहने वाली है, कोई अलर्ट है या नहीं? हाँ, जैसे अहमदाबाद सिटी के लिए हम जैसे हीट एक्शन प्लान में येलो अलर्ट दिया है डे वन एंड डे टू के लिए, 41 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और डे टू के बाद जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर ट्रेंड है, अभी दो दिन के लिए ग्रेजुअल राइस है, थोड़ा टेम्परेचर राइस हो जाएंगे, उसके WD अप्रोच हो रहा है, उसके मॉइस्चर आ जाएंगे और विंड पैटर्न अच्छे वेस्टर्ली हो जाएंगे, तो हमारा मैक्सिमम कम हो जाएंगे 2 से 3 डिग्री. तो इसलिए बारिश का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज और कल सभी जगह पे 40 के पास होगा, जैसे अहमदाबाद सिटी में 41 के आसपास रहेंगे, 41 शायद 42 भी जा सकते हैं, इसलिए हमें येलो अलर्ट दिया सिटी के लिए डे वन डे टू के लिए, उसके बाद कोई वार्निंग नहीं है. सर, कौन कौन सी डिग्री में कितना रहता है तो अलर्ट दिया जाता है, जैसे येलो अलर्ट में क्या होता है, हीट वेव में कौन से कितना डिग्री? देखो, हीट वेव में हमें क्या है, बेसिक डिपार्चर अभी ऐसे अपने हीट वेव कहीं पे नहीं है, खाली अहमदाबाद सिटी के लिए येलो अलर्ट है, सिटी में जो हीट एक्शन प्लान की उसके हिसाब से येलो अलर्ट दिया है डे वन और डे टू के लिए, 41 डिग्री के आसपास आ रहा है इसलिए.